नमस्कार, आप देख रहे हैं मार्केट टाइम्स टीवी। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। बड़ी खबर की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने खरीफ सीजन 2022 में किसानों के लिए बीज और खाद की पूरी व्यवस्था की है ताकि रबी सीजन जैसे खाद को लेकर कोई लड़ाई ना हो। किसानों को बीज के लिए भटकने की जरूरत नहीं है। इस सीजन में धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, उड़द, मूंग, अरहर, सोयाबीन, मूंगफली, तिल, रामतिल और कपास के कुल 2,59,011 क्विंटल बीज की व्यवस्था की गई है, जबकि पिछले साल केवल 1,71,344 क्विंटल बीज की व्यवस्था की गई थी। इस वर्ष बीजों की अधिक उपलब्धता की गई है ताकि किसानों को बीज की चिंता ना हो। अगर हमें अच्छे बीज मिलते हैं तो फसलों की उत्पादकता और किसानों की आय में वृद्धि भी होगी। वहीं अधिकारियों ने ये जानकारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद किसानों को दी है। सीएम ने कहा है कि प्रदेश में उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता कर ली गई है ताकि खरीफ सीजन में किसानों को कोई परेशानी ना हो। अधिकारियों ने सीएम को 1 अप्रैल 2022 से अब तक यूरिया, DAP, NPK, सिंगल सुपर फॉस्फेट यानी कि और MOP यानी कि मोरिएट ऑफ पोटैश की बिक्री और भंडारण की जानकारी भी दी। वहीं दावा किया गया है कि राज्य के सभी 52 जिलों में पिछले साल की तुलना में खाद का भंडारण अधिक हुआ है। वहीं DAP और NPK की बिक्री भी पिछले साल की तुलना में बढ़ी है। वहीं तुलनात्मक रूप से अधिक मात्रा में SSP और यूरिया का भंडारण भी किया गया है। वहीं अधिकारियों ने बताया है कि प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध होने से किसानों को लाइन में खरीदारी व कालाबाजारी जैसी समस्याओं से मुक्ति मिली है। किसानों को सब्सिडी से सीधी राहत देने की व्यवस्था भी की गई है। वर्तमान में आवश्यक सब्सिडी के साथ उर्वरकों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। वहीं अधिकारियों ने सीएम को बताया कि कीटनाशक की गुणवत्ता को नियंत्रित करने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग किया जा रहा है। कीटनाशकों के नमूने लेने से लेकर विश्लेषण तक की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया गया है। इसके लिए एक केंद्रीकृत ऑनलाइन नमूना ट्रेडिंग और निगरानी प्रणाली विकसित की गई है। वहीं निरीक्षकों द्वारा लिए गए नमूनों की यष्टिक विधि द्वारा प्रयोगशाला का चयन कर फेसलेस और QR तकनीक के माध्यम से विश्लेषण की प्रक्रिया की जा रही है। विश्लेषण के परिणाम भी सभी संबंधितों को तत्काल उपलब्ध कराए जा रहे हैं। वहीं शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में खरीद जा रही मूंग और उड़द के उपयोग भी के लिए भी जानकारी ली। बैठक में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा, कृषि मंत्री कमल पटेल, सहकारिता मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया, मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस, कृषि विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अजीत केसरी, कृषि उत्पादन आयुक्त शैलेंद्र सिंह और सहकारिता विभाग के प्रमुख सचिव जैसे KC गुप्ता और मार्कफेड के MD PK नरसिंह इसमें उपस्थित रहे थे।